नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी और सीए के विरोध में महासभा का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। महासभा के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, 36 मजिस्ट्रेट और कंट्रोल रूम से हो रही थी निगरानी। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग। 26 दिसंबर तक जिले के सभी विद्यालय रहेंगे बंद, कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने जारी किए आदेश। और अमरपुर में चाय दुकानदार की अपहरण कर अपराधियों ने की हत्या, स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। अब समाचार विस्तार से। नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भागलपुर के शाहजंगी मेला मैदान में संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से महासभा का आयोजन किया गया। महासभा की अध्यक्षता खानकाह शहबाजिया के सैयद शाहकार आलम शहबाजी ने की। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भागलपुर समेत आसपास के जिले के लोगों ने शिरकत की। वहीं जुलूस की शक्ल में सुबह से ही विभिन्न मुस्लिम मोहल्ले और गांव के लोग हाथ में तिरंगा झंडा, बैनर और तख्ती लेकर एनआरसी और सीए के विरोध में शांतिपूर्ण नारेबाजी करते हुए शाहजंगी पहुंचे। मंच से कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, धार्मिक गुरु और बुद्धिजीवियों ने नागरिकता संशोधन कानून को देश की अखंडता और एकता के लिए घातक बतलाया और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि एनआरसी और सीएए के खिलाफ जन आक्रोश फूट पड़ा है और शाहजंगी मेला मैदान में लाखों की संख्या में जुटी भीड़ साबित करती है कि मोदी सरकार को काला कानून वापस लेना होगा। वहीं मंच पर जामिया और डीयू की छात्राओं ने भी सीएए और एनआरसी का बायकॉट किया। साथ ही इस कानून के खिलाफ महिलाओं से सड़क पर उतरने की बात कही। छात्रों ने कहा कि डीयू और जामिया के छात्र पिछले दिनों नए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं भागलपुर के ऐतिहासिक शाहजंगी मैदान में संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से आयोजित महासभा में लाखों की संख्या में लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मंच से सभी समुदाय के लोग इस कानून को सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जो धार्मिक गुरु वो इस कानून का खंडन कर रहे हैं और इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ सैयद एनआरसी और सीएए के विरोध में भागलपुर के शाहजंगी मेला मैदान में आयोजित महासभा में सभी समुदाय और धर्म के लोगों ने शिरकत की और इसे संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ बताया। कई वक्ताओं ने नए कानून को संविधान विरोधी बताते हुए मोदी सरकार की जमकर निंदा की और कहा कि यह सरकार देश के नागरिकों को परेशान कर रही है। मंच से खानकाह शहबाजिया के मौलाना सैयद शाहकार आलम शहबाजी और मौलाना फारूक आलम अशरफी ने एनआरसी और सीएए को सरकार से वापस लेने की मांग की। वहीं मौलाना फारूक नदवी, मौलाना खलील अहमद, जफर मुस्तफ़ा, विक्रांत कुमार, मौलाना अताउल रहमान और भीम आर्मी के मनोज भारती ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को मौजूदा सरकार की राजनीति का हिस्सा बताते हुए देश की सर्वधर्म संभाव संस्कृति के लिए खतरा बतलाया। इसके अलावा मंच से कई बुद्धिजीवी और समाज सेवियों ने अपने विचार रखे। मौके पर मेराज बबलू, भोला खान, अब्दुल हसन, डॉक्टर तबरेज, मोहम्मद सारिक मंजूर, एनुल होदा समेत कई लोग मौजूद थे। कि मैं अपनी जबानी हुजूर साहिब सज्जादा की तर्जमानी कर रहा हूं। हाजरीन सामईन, ये एक्ट जिसे हुकूमत हिंद ने अक्सरियत की बुनियाद पर दोनों ऐवान में पास कर दिया है, ये सीएए एक्ट हिंदुस्तान को खोखला करने वाला एक्ट है, हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ मोड़ने वाला एक्ट है। तो यहाँ पर आप जो है ये हक देने शहरी हक देने का कोई फैसला करे और ये सीए बिल जो सीए बन गया है हम इसको कबूल नहीं करते हैं, इसको रद्द करते हैं और हमारे यह आंदोलन जारी रहेगा, मुसलसल जारी रहेगा। हम भागलपुर जिला के लोग अपनी मीडिया के जरिए से, अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लाखों का इतना बड़ा विचार, ये मजमा कितना पुरसुकून है,
ये नमूना है पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए और पूरे स्टेट के लिए। ये मिसाल हमको अपने बड़ा अंदाज से पेश करने की जरूरत है। लेकिन आप इस बात को समझे, इतने बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी देश के साथ 130 करोड़ लोगों के साथ झूठ बोलता है और झूठ बोलकर देश चलाना चाहता है, तो यह देश कैसा होगा। दूसरी बात ये कि 2014 में प्रधानमंत्री जहां जहां जाते थे ऐसी ही सभा लगती थी, वो नारा लगाते थे अच्छे दिन आएंगे, तो जनता कहती थी कि आएंगे, आज नारा लगाइए अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। जिस कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई उस वक्त तो वो सफल नहीं हो सके, और जो मूल्य था महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन का, एनआरसी ला करके और ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला करके उन मूल्यों की हत्या की जा रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो हमसे वफा की सनद मांग रहे हैं, वो हमसे वफा की सनद मांग रहे हैं, खुद जिनको कोई अहद वफा याद नहीं है। हमसे हमारी शहरियत का सबूत क्या मांगते हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी भी चेक पे तो नजर डाल दो, इस वतन की अजमत के लिए बहाया हुआ हमारे लोगों का एक एक कतरा हमारी शहरियत की गवाही देगा। चीज कहने जा रहा हूँ कि आज इस मंच से आप संकल्प लें कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं देश की रक्षा करूंगा, मैं गांधी के बताए हुए शांति पर विश्वास रखता हूँ। बेशक बहुत कम है हम लोग, लेकिन यूं की आवाज और पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन चुकी है, और तमाम का शुक्रिया जिन्होंने इतना वक्त दिया। बस मैं एक शेर बोलना चाहूंगी, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। इस देश के प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ कि उसके इशारे पे तुम पब्लिक का दमन करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ बाबा साहब की संविधान है, और जब तक बाबा साहब की संविधान रहेगी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। इसलिए तू होश में रहो, आप मुखिया बन जाओ, सरपंच बन जाओ और वहाँ अब इतिहास दिखाते हैं, आप वार्ड पार्षद बन जाओ वहाँ अब इतिहास दिखाते हैं, लेकिन आपका एमएलए जहाँ एमएलए असेंबली में जाएगा, जहाँ कानून बनेगा बनेगा, वहाँ आप इतिहास नहीं दिखाते हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से आयोजित महासभा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। महासभा के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो सके, इसको लेकर सभी चिन्हित चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सदर एसडीओ आशीष नारायण और सिटी डीएसपी राजवंश सिंह स्वयं मेला मैदान पर नजर रखे हुए थे और पल पल की स्थिति की सूचना आला अधिकारियों को दे रहे थे। सदर एसडीओ आशीष नारायण ने कहा कि जनसभा शांतिपूर्ण रहा, जबकि सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि जुलूस और सभा को लेकर संबंधित थाना अध्यक्षों को सख्त दिशा निर्देश दिया गया था। सजंगी में आयोजित आज सभा के लिए सभी मुख्य स्थानों पर करीब 36 मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। शांतिपूर्ण ढंग से सभा समाप्त हुई है, अब तक किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं। जितने संवेदनशील स्थान पहले से उन्होंने चिन्हित किए थे, जितने चौक चौराहे थे वो सारी जगहों पे फोर्स लगाया गया था, और जो इस क्षेत्र के बाहर के थाने हैं जैसे अकबर नगर, सुल्तानगंज, जगदीशपुर, सबौर, सारे थानेदारों के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से निर्देश था, हम लोग लगातार संपर्क में थे, सारे जुलूस को वो स्कॉर्ट करके ला रहे थे, और फिर जाने में भी उनको निर्देश था कि वो ध्यान देंगे इस बात का। इसके अलावा स्टेशन चौक, खलीफा बाग, तिलका मांझी, सारी जगहों पर पुलिस और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति थी। भागलपुर के ऐतिहासिक शाहजंगी मेला मैदान में सोमवार को आयोजित महासभा को लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था। कंट्रोल रूम पूरी तरह सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से लैस था। महासभा के दौरान किसी तरह की गलत नारेबाजी या शरारती तत्व अफवाह न फैलाएं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए दो दर्जन से अधिक कैमरे लगाए गए थे।
कंट्रोल रूम में बैठे तकनीकी एक्सपर्ट हर एंगल से मैदान की तस्वीर ले रहे थे और मंच के इर्द गिर्द घूमने वाले अनजान चेहरे की गतिविधि पर पैनी नजर रखे थे। वहीं पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। समिति के मेराज बबलू ने बताया कि भीड़ में उपद्रवियों की पहचान के लिए कंट्रोल रूम का निर्माण कराया गया है। एनआरसी और सीएए को लेकर आयोजित महासभा संपन्न होने के बाद समिति की ओर से चयनित किए गए शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हबीपुर थाना में सदर एसडीओ आशीष नारायण और सिटी डीएसपी राजवंश सिंह को संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में नए कानून को निरस्त करने की समिति की ओर से मांग की गई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम प्रणब कुमार ने 26 दिसंबर तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में डीएम ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिले के सभी विद्यालय 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बांका के अमरपुर बस स्टैंड स्थित चाय दुकानदार की रविवार की देर रात अपराधियों ने दुकान से अपहरण कर हत्या कर दी। सोमवार की सुबह कस्बा के पटकी गांव के समीप चाय दुकानदार का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अमरपुर बाजार निवासी राजी कसेरा के पुत्र रितेश कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर स्थानीय लोग उग्र हो गए और सड़क पर अगजनी करते हुए मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस हत्या के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर मृतक के पिता और भाई ने बताया कि रविवार की रात 9 बजे जब रितेश को फोन किया गया तो फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद मृतक का भाई दुकान पहुंचा लेकिन रितेश दुकान से गायब था। फिर परिजनों ने घटना की सूचना एसपी और संबंधित थाने को दी और पूरी रात खोजबीन करने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। सोमवार की सुबह पटकी गांव में युवक का शव मिला, जिसकी पहचान चाय दुकानदार के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव एवं अमरपुर सीईओ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व सोनू भगत, रूपेश यादव, शक्ति यादव एवं चंदन कुमार के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया, साथ ही घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर हिरासत में लेने की बात कही। पता चला कि उसकी उस दुकान पे नहीं है, फिर हम लोग खोजबीन किए। सुबह 3 बजे तक हम लोग पूरा खोजे अपने थी से जहाँ जहाँ हो सकता था, लेकिन कोई खबर नहीं चला। फिर हम लोग थाना भी हम लोग के साथ ही था, पूरा गाड़ी रात भर गश्ती था, महेंद्र अंकल भी थे साथ में ही, लेकिन कभी पता नहीं चला। फिर सुबह पता चला कि वहाँ कस्बा साइड में बॉडी मिला है, तो हम लोग गए देखने, तो फिर पता चला कि वो उन्हीं का बॉडी है। लोगले बैठे खाना उना खा के तो क्या को बोला कि रितेश दुकान में नहीं है। हमारा बेटा को फोन किया, कोई आदमी की दुकान नहीं है, दुकान में कोई बच्चा नहीं है, रितेश नहीं है। तो रोशन यहाँ था तो गया दुकान, तो देखता है रोशन नहीं है, रितेश नहीं है, तो खोजने लगा, मोबाइल धरे वहाँ, पैसा सब धरे वहाँ, 2 घंटा को देखता आया नहीं। तब उसको क्या समझ में आया, तब खोजना शुरू किया कहाँ गया रितेश। फोन लगाता तो उसका मोबाइल तो यहीं, किसको फोन कर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए।
मान्यवर बैंक्वेट हॉल खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसको लेकर सोमवार को भागलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल सृष्टि के नेतृत्व में खलीफाबाग चौक के समीप कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए, साथ ही मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि जनता का भाजपा से मोह भंग हो चुका है, यह जीत उसी का परिणाम है। कार्यकर्ता झारखंड में महागठबंधन की शानदार जीत के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। यह जीत भारत की जनता की जीत है, यह जीत भारत के धर्म निरपेक्ष संविधान की जीत है। यह हार नीतीश, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाजपा के अहंकार की हार है, और हम तमाम कार्यकर्ता इसी तरह बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पराजित करेंगे। भागलपुर नगर निगम सभागार में सोमवार को ICCC प्रोजेक्ट पर प्री बिड मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने की। इस दौरान कई प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य तौर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में RMP के क्लाउज, प्री क्वालिफिकेशन एवं टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। भागलपुर स्मार्ट सिटी के CGM ब्रजेश कुमार ने बताया कि बैठक में 28 विभिन्न कंपनियों ने हिस्सा लिया। आज प्री बिड मीटिंग ICCC सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है, उसमें लगभग 34 लोग आए थे और 34 में से मोर और लेस 28 कंपनियां पार्टिसिपेट की है, जिसमें इंक्लूडिंग MSI मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर एज वेल एज OEM और जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारे लोग मिलाकर के इस मीटिंग में आए थे। और सबसे पहले इस मीटिंग में जो RFP के हमारे क्लॉज हैं, PQ2Q जिसको होता है प्री क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज वेल एज स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल। कहलगांव के सनौला प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर परिसर में सोमवार को ताड़र कॉलेज भागलपुर की ओर से NSS द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन कॉलेज प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार सिंह, समाजसेवी डॉ. गणेश दत्त सिंह, कार्यक्रम पदाधिकारी वरुण तांती, विद्यालय प्राचार्य योगेश कुमार एवं श्रीकांत मंडल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान NSS स्वयंसेवकों के द्वारा पूरे गाँव में स्वच्छता अभियान चलाया गया और ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि ताड़र महाविद्यालय द्वारा फरीदपुर के अल्पसंख्यक गाँव को गोद लिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं जल जीवन हरियाली को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं डॉक्टर गणेश दत्त सिंह ने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, NSS की ओर से किए जा रहे कार्य काफी सराहनीय हैं और यह सेवा भाव को दर्शाती है। सेवा भाव से किए गए कार्य से समाज का कल्याण संभव है। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग, शिक्षक एवं ग्रामीण मौजूद थे। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का 7 दिवसीय शिविर प्राथमिक विद्यालय फरदमपुर के प्रांगण में 23/12/2019 से 29/12/2019 तक चलेगा। इसके तहत ताड़र महाविद्यालय ताड़र के सौजन्य से फरदमपुर अल्पसंख्यक टोला को गोद के रूप में लिया गया है। उसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, जल जीवन हरियाली के संबंध में प्रेरित करने का कार्य NSS के छात्र छात्राओं द्वारा किया जाएगा। भागलपुर शाहजंगी मेला मैदान में सभा के दौरान बुनकर संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष जुम्मन अंसारी ने जदयू नेता इब्रार अंसारी के पुत्र तहसीन अंसारी पर जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। जुम्मन अंसारी ने बताया कि मंच पर जदयू नेता द्वारा दिए जा रहे भाषण का वह विरोध कर रहे थे। वहीं तहसीन अंसारी ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया। इसका ये था प्रोग्राम, उसमें इब्रार अंसारी साहब को मंच के संचालन ने दावत दिया। इब्रार अंसारी कौन है? नरगा का बुनकर प्रकोष्ठ का जदयू का नेता है। अच्छा, कौन पोस्ट पे है? बुनकर प्रकोष्ठ। अच्छा, क्या हुआ? तो हमने उनको विरोध जम के किया, अध्यक्ष रहे, उसको नाम पुकारा हुआ एक लफ्ज वो बोला, फिर सब लोग कह हटिए हटिए भाई, जब विरोध हो रहा पीछे से लोग कह रहा था, हट गया। जब प्रोग्राम खत्म हो गई तो उसका बेटा तो नाम कह जाते चिंते हैं, तो वो हमको वहीं पकड़ के बेरुख हो करके कहता, आप हमारे पापा का विरोध क्यों किया? हम कहा आपके पापा जदयू में हैं,
मोदी के साथ हैं, इसलिए आप पापा कहिए पहले इस्तीफा देगा तब ये एजेंडा में आएगा। विवाद कुछ नहीं हुआ था, इब्राहिम अंसारी मेरे पिताजी हैं जो जदयू के अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो मंच पे थे और ये कमेटी तय हुई थी आज से एक हफ्ता पहले, संविधान बचाओ देश बचाओ, जिसमें कि ये तय हुआ कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, इसमें पहले हम मुसलमान हैं उसके बाद कोई पार्टी में है। तो ये बात एक हफ्ते या दस दिन पहले तय हुई थी। तो इन लोगों को ये परेशानी थी कि ये मंच पे और आगे क्यों है, जदयू में रहने के बावजूद मंच पे इन लोगों को जगह नहीं मिला, इस बात पे इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ थी। तो आज जैसे ही पापा का भाषण कर देने का टाइम आया तो इन लोग पीछे से विवाद किए, आवाज़ उठाए कि ये जदयू में इनको बोलने देना चाहिए इस बात पे। ये लोग गाली गुप्ता किए मंच पे, जो कि पूरा शहर और पूरा मंच पे इस बात का सबूत है, और आप लोग भी होंगे तो आप लोग को भी पता होगा वहाँ पे। भागलपुर नगर संतमत सत्संग समिति द्वारा आयोजित देवी बाबू धर्मशाला में चल रहे संतमत सत्संग के अंतिम दिन कथावाचक रूपानंद बाबा ने कहा कि सत्संग श्रवण मानव जीवन में अस्थिरता एवं शांति कायम करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोभ मोह झूठ इन सभी चीज़ों का त्याग कर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इस दौरान काफ़ी संख्या में कथा श्रवण करने दूर दराज से लोग पहुंचे थे। आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष गिरवर प्रसाद, कोषाध्यक्ष श्याम प्रसाद गुप्त, बालेश्वर प्रसाद शाह, संत डॉक्टर विवेकानंद, नवीन बाबा सहित कई लोगों ने सराहनीय भूमिका निभाई। चलते चलते फिर से एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी और सीए के विरोध में महासभा का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। महासभा के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, 36 मजिस्ट्रेट और कंट्रोल रूम से हो रही थी निगरानी। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग। 26 दिसंबर तक जिले के सभी विद्यालय रहेंगे बंद, कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने जारी किए आदेश। और अमरपुर में चाय दुकानदार की अपहरण कर अपराधियों ने की हत्या, स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।